नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मांडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 8 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और मैंने जितना सारा वीडियोज़ बनाता हूँ ये वीडियो और जितना सारा वीडियोज़ बनाता हूँ मैंने एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ बनाता हूँ। ये आप लोग इसमें आप लोग ट्रेड करने के लिए और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताऊंगा, तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में बाई सेल लेवल्स का व्यू देता हूँ। बाई सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ, बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ। बाई सेल लेवल्स, गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स और बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ। 100 EMA स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब लेवल्स दिखाता हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टैक्टिक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसका सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने और मैं आप लोग जो लोग एंजल बुकिंग और आस्था ट्रेड आप स्टॉक्स में ज्वाइन होना चाहता है, मेरा यूट्यूब वीडियो का दिया हुआ लिंक से आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने इधर निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो देखिए ये आज इधर तो कंसोलिडेशन हो, आप लोग इधर से देख सकता है, ये इधर नीचे आने के बाद ये इधर जो लो बनाया था उधर से ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इधर से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इधर भी अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो लास्ट दिन वो जो लो मारा था उधर से बहुत ही हाई आज 80383 में मतलब उसका क्लोजिंग हुआ था अगला दिन। तो आज 700-800 पॉइंट ऊपर आ गया है, 800 पॉइंट 8819 का हाई गया है। तो इधर थोड़ा सा इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो आप लोग एक बार फिर से एक बार देख लेता है। मैंने दोनों तरफ से देख रहा हूँ, फिबोनाची लेवल्स को भी देखता हूँ। तो इधर देखिए फर्स्ट लेवल आप लोग को मिलेगा 8952 में, 8952 का 8952 नहीं, इसका सोच लीजिए 8984 का लेवल से आप लोग को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद इसका जो लेवल नेक्स्ट लेवल आएगा 9379 का आसपास, इसका 9379 और 94, उसके बाद 9454 में एक रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद ये आएगा 9953, उसके बाद 10528 तक ये जा सकता है। और नीचे जो लेवल्स है, नीचे का जो सपोर्ट है वो है, फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा सोच लीजिए, फर्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा 8575 में फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, 8466 में उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट, उसके बाद 8274, उसके बाद 8165, उसके बाद आएगा 7974, उसके बाद 7864, उसके बाद 7673। तो उसका नीचे जो लेवल आएगा तो उसके लिए और भी देखना पड़ेगा। 7511 में तो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसका लो बना था। उसका उसके बाद ये 6973 और 6570 और 6108, उसके बाद 5556, उसके बाद 5068। तो देखिए ये इसका जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो अप ट्रेंड हुआ था 2008 से, इसका जो बॉटम होने के बाद इसका जो अप ट्रेंड बना है, तो इसका जो अप ट्रेंड बना है तो उसका ये इसका करेक्शन हो रहा है। तो इसका जो करेक्शन हुआ है, आप लोग मेरा 27 मार्च वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इधर इसका जो करेक्शन बना है, इधर का जो करेक्शन दिया हुआ है मैंने मतलब दिखाया था, ये जो करेक्शन दिखा मतलब जो अप ट्रेंड चालू हुआ था उसका ये करेक्शन चल रहा है। तो इसका चार्ट को थोड़ा सा छोटा बड़ा करना, एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा देख लेता हूँ।
इसका जो 2008 से इसका जो बना है, इसका जो बॉटम, उसके बाद इसका जो आप लोग को वेव दिखा था 1, 2, 3, 4 और 5 में अपटेंड गया था, उसके बाद ये इसका नीचे वाला वेव ए में करेक्शन हुआ है। वेव ए जितना सा करेक्शन हुआ है उसके बाद थोड़ा सा वेव सी जाएगा, 1.618 तक जाना जा सकता है, मतलब 10,555 जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन अभी ये मत सोचिए कि ये अपट्रेंड में आ गया या करेक्शन हो गया, कि अपट्रेंड चालू होने का कुछ इंडिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं। ये फिर से नीचे आने का ही प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से नीचे आने का ही प्रोबेबिलिटी है। और जितना सारा तक ऊपर जाएगा, सोच लीजिए लास्ट करेक्शन में ये 9038 तक ये ऊपर गया था, ठीक है, तो उसका उधर से भी, उधर भी जा सकता है, उधर से 9200, उसके बाद 9700, 9900 और 10,555 तक ये जा सकता है, 1.618% तक जा सकता है, जितना गिरा है, जितना सा गिरा है। 12,430 इसका हाई था, मतलब ऑल टाइम हाई था, और 7,571 इसका लो था। तो इसका जो 4,919 का जो डिफरेंस है, इसका जो करेक्शन हुआ है, ये 1.618 तक इसका जाने का चांसेस है। उसके बाद ये जब नीचे गिरेगा, तो वेव ए में जितना सा करेक्शन हुआ है, मतलब 12,430 से 7,511 ऑलमोस्ट 4,919 तक ये पूरा नीचे आएगा, जितना तक हाई जाएगा। अभी जितना तक हाई जाएगा, अभी 10,550 तक हाई जाने का प्रोबेबिलिटी है इसका। देखता है, पहले तो 9,038 तक हाई गया था, इधर आप लोग देख सकता है इसका, इस कैंडल पे 9,038 तक हाई गया था, उसके बाद फिर से डाउन हुआ, फिर से आप, मतलब साइकिल एक एक बार तो नहीं जाता है, तो देखना पड़ेगा। तो जब इसका डाउन ट्रेंड आएगा, तो फिर से इतना जितना सा ऊपर गया है वेव ए में, जितना सा करेक्शन हुआ है, इतना सा जो करेक्शन हुआ है इधर, जो जितना तक ऊपर जाएगा ये, इतना तक करेक्शन इसका आएगा। सोच लीजिए 9,000 तक ऊपर जाएगा, तो ये 4,949 9,000 से नीचे आएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। तो इधर देखिए 360 की एनालिसिस आप लोग को दिखाता हूँ। इसका जो इसका 7,511 में इसका देखिए, इधर पहले मैंने दिखाया था, आप लोग मेरा वीडियो रोज जो लोग फॉलो कर रहा है वो समझ सकता है। इधर 8731 से मैंने बोला था ऊपर जाएगा, वो 9,038 तक गया था, उसके बाद ये इसी लाइन देखे 7,886 तक आने का चांसेस था, लेकिन फिर से ये ऊपर आने का आने आने लगा है। अभी ये सेकेंड साइकिल में 270 डिग्री का एंगल में है, 270 डिग्री का एंगल में ये है। उसके बाद इसका चांसेस है कि 9,013 सेकेंड साइकिल कंप्लीट करेगा, उसके बाद थर्ड साइकिल में ये आएगा, तो ये 9,764 तक आ सकता है, तो फिर से ये नीचे जाएगा, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। और बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी भी ऐसा पैटर्न, ऐसा ही पैटर्न बना के चल रहा है। तो आज का पहले मैंने इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेता है, ये तो 19,190 तक इसका हाई गया था, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हाई है, इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने इधर से देखने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल भी एक साथ आ जाएगा। तो 19,500 इधर, 19,000 इधर जो सपोर्ट दिख रहा है, 19,600 में इसका, 19,506 में इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा फर्स्ट सपोर्ट, इसके बाद ये मिलेगा 20,765 में, उसके बाद 21,455, उसके बाद
22,160, उसके बाद 24,000 का ऊपर जा सकता है। तो इसका भी जो जाने का प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट साइकिल में, ये इधर भी आप लोग देख सकता है, ये वो भी 200 1+200, तो मतलब सेकंड साइकिल में है, सेकंड साइकिल में है इसका, सेकंड साइकिल का 19,339, ये थर्ड साइकिल में आएगा तो 20,975 तक इसका जाने का पोटेंशियल है। और ये भी वो भी एक ही है, मैंने निफ्टी के बारे में जो बोला हूँ वो भी एक यही पैटर्न बना के चलेगा, यही साइकिल बने के चलने का चांसेस है। और जो मैंने देखिए ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका पीसीआर रेशियो 1.53 हो गया है, तो पीसीआर रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसका काउंटर ट्रेड हो सकता है, मतलब ये रिवर्सल हो सकता है, लेकिन कभी कभी 1.83, 1.7, 1.8 तक ये जा सकता है। और इधर 9,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इधर देखते हैं नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा साइन है ऊपर जाने का। नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब जो शॉर्ट लॉन्ग जो लोग शॉर्ट कर रहा था उस वो फ्रेश लॉन्ग कर रहा है, मतलब इधर फ्रेश लॉन्ग हो रहा है, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और 8,500 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है इसका, और इसका आई वी इधर से थोड़ा सा बड़ा है, आई वी पहले से आई वी तो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन इसका इधर से इसका कॉल साइड में आई भी थोड़ा सा कम है, और इधर से आई भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाने का पोटेंशियल है लास्ट 2 दिन के हिसाब से। मैंने प्रॉबिटी भी दिखाऊंगा आप लोग को। और इधर पुट्स बैंक निफ्टी में जो दिखा जल इसका पीसीआर रेशियो 1.48 हो गया है, और इधर 20,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और 18,500 में सपोर्ट बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और इसका प्रोबेबिलिटी जो दिखेगा, प्रोबेबिलिटी जो दिखता है सॉरी हाँ प्रोबेबिलिटी जो दिखता है 2 दिन का इस एक्सपायरी का हिसाब से, दोनों ही इसका दोनों ही अपटेंड जाने का, मतलब सारे रजिस्टर के पास जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। और इधर से मैंने आप लोग को कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिए, मैंने तो बाद में दिखाऊंगा रात में, और भी बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, तो अब फिलहाल कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, रात में और भी लेवल्स दिखा दूंगा। ये आप लोग 360 डिग्री एनालिसिस अभी नोट कर सकता है, ये लेवल्स आप लोग नज़र रख सकता है। देखिए इधर अभी ये इधर 180 डिग्री और 225 का डिग्री का ऊपर से ये आप लोग फॉलो कर सकता है। तो इधर से आप लोग ये फर्स्ट साइकिल का अपसाइड और फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड, इसके बाद सेकंड साइकिल का अपसाइड, सेकंड साइकिल का डाउन साइड, और उसके बाद फर्स्ट साइकिल का, थर्ड साइकिल का अपसाइड और थर्ड साइकिल का डाउन साइड आप लोग नोट कर सकता है। और इधर इधर भी फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल है, इधर भी आप लोग नोट कर सकता है। और इसका हिसाब से मार्केट में आप लोग नज़र रखेंगे तो आप लोग को सुविधा होगा। और इधर से और भी कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर से पहले तो फिबोनाची का मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकता है, 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, क्योंकि अब जब ये लेवल्स जब तोड़ता है तो ये अच्छा मूवमेंट, उसके बाद सोच लीजिए निफ्टी 9020 तोड़ दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 9176 तक जाएगा। ये 7 डेज का हिसाब से फिबोनाची लेवल्स कैलकुलेट किया गया है,
तो वन डेज का भी है, आप लोग वो भी देख सकता है। तो मतलब इंटरडे में काम पे आएगा, लेकिन इंटरडे में सभी में काम पे आ जाता है जब कुछ वीकली मंथली और वीकली बाई वीकली और मंथली जब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसका भी काम पे आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये नोट कर सकता है। और इसके बाद मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, गाउन लेवल्स दिखाऊंगा। हाँ, जो मैंने आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि इधर आप लोग ये जो फिबोनाची लेवल्स ये है बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ये लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है। ये है गाउन एंगल्स का लेवल्स, ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस R1 सपोर्ट लेवल, और ये है अप साइड का डिग्रीज और ये डाउन साइड का डिग्रीज। आप लोग इसका लेवल्स नोट कर सकता है। तो इतना सारा लेवल्स दिखाने का मतलब ये क्यों दिखाता हूँ, तो आप लोग मेरा आज जो लाइव सेशन मैंने दिखाया है तो वो आप लोग को देखने से पता चल जाएगा कि क्यों इतना लेवल्स का ज़रूरत होता है। तो इतना सब जब मैंने आप लोग वो थोड़ा सा उधर साउंड कम हो गया, थोड़ा सा आप लोग माइक्रोफोन हेडफोन लगा के या कुछ भी तरीका से आप लोग, ये भी एक अच्छे लेवल्स है, ये भी आप लोग देख सकता है, व्हाट इज हाई प्रोबेबल लेवल्स। ओके, तो ये भी नोट कर सकता है। तो इसका सारा लेवल्स आप लोग को जब कंपेयर करके देखना है तब एक डिसीजन लेना है, डिसीजन आप लोग लेने का सुविधा होता है कि इस लेवल पे हम अभी जो मार्केट का जो स्थिति है तो इस लेवल पे हम लोग को एंट्री लेना है। तो मैं आप लोग उसको नोटिस कर सकता है, मैंने जब उधर लेवल्स दिखा रहा था तो उधर मैंने बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करने के बाद मैंने एक लेवल चुना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि ये बाई एंट्री लेवल होगा और ये सेल एंट्री लेवल होगा। उसके बाद ही आप लोग को दिखा है कि उसके बाद मार्केट मतलब निफ्टी कैसे ऊपर गया और बैंक निफ्टी कैसे ऊपर गया है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकता है कि इतना सारा लेवल्स देख के क्या करूँ मैं, हम लोग कौन सा लेवल्स पे काम करूँ। एक्चुअली काम करना है सभी लेवल कंपेयर करके मार्केट का सिचुएशन के ऊपर डिसीजन लेना है। ये भी एक लेवल है, ये भी आप लोग देख सकता है, इसका रेजिस्टेंस भी देख सकता है और ये भी देख सकता है। ये एक्चुअली गांस लेवल और स्कैबरी वाला लेवल्स है। ये भी जो लेवल है ये भी आप लोग H1 H2 H3 इसका लेवल्स देख सकता है, ठीक है। तो इसका आप लोग अच्छी तरह से उसको सुनेंगे और बार बार देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्यों इतना सारा लेवल्स को ज़रूरत है। मैंने बहुत सारा लेवल्स को आप लोग को दिखाया, उसके बाद कंपेयर करके आप लोगों को सामने ही मैंने लेवल्स चुना है मेरा एक्सेल शीट से। उसके बाद उसको मैं चार्ट में देखा और उसके बाद वो बोला कि इधर से बाई होगा। मैंने उसे उस टाइम मैंने आप लोग को ऑप्शन भी दिखाया, निफ्टी का ऑप्शन और बैंक निफ्टी का ऑप्शन भी दिखाया। तो इधर से ऐसे ही इसी को ट्रेड ट्रेड डिसीजन लेना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ये गांस का अपना वन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से। तो इसका जब लेवल्स देख के आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा, मतलब उसी का हिसाब से जब ट्रेड डिसीजन लेंगे तो आप लोग को। सॉरी दोस्तों, इधर वो दूसरा चीज आ गया है, तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और इधर मंथली ये इंडिया भी इसका लिंक टू इंडिया भिक्स, ये मंथली कितना टॉप या बॉटम जा सकता है इस सर इंडिया भिक्स का कैलकुलेशन किया है। इंडिया भिक्स अभी जो जितना चल रहा है और इधर से इसका हाई जितना हुआ था 12,430, उधर से ये उसका लिंक से ये है मंथली प्राइस रेंज, इधर से मंथली प्राइस रेंज कैलकुलेट किया गया है इंडिया भिक्स का हिसाब से। इंडिया भिक्स जो चल रहा है और इसका मंथली रेंज कितना हो सकता है, निफ्टी का कितना प्राइस रेंज हो सकता है उसका हिसाब से, जो हाई हुआ था उसका हिसाब से ये बॉटम और टॉप मतलब बनाया गया है पूरा, ये आप लोग देख सकता है। और गांड डिग्री का वो सब देखूंगा, गांड डिग्री का हिसाब से जो मतलब कौन सा डिग्री में है और किसको कौन सा लेवल पे है, कौन सा कितना टाइम लास्ट सेशन से वे मतलब हो सकता है। ये जो लेवल्स है ये स्टैंडर्ड डिवीजन बेस्ड गांड स्क्वायर ऑफ 12, ये आप लोग को ऐसे ही इजीली नहीं मिलेगा, ये लेवल्स भी आप लोग देख सकता है। और भी एक लेवल मैंने बनाया था, इसको कहाँ पर बनाना है बनाया था एक बार देख लेता है।
ये सभी लेवल कंपेयर करके और सभी लेवल्स का एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इसका आप लोग को ये देखिए, ये जो है ये है बाइसल लेवल्स अकॉर्डिंग टू नंबर नंबर वाइब्रेशन लॉ ऑफ 7, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इसका भी आप लोग लेवल्स नोट कर सकता है और इसका हिसाब से मार्केट के ऊपर नज़र रख सकता है। इसका ऊपर हो या नीचे जाएगा तो आप लोग देख सकता है। कोई भी लेवल्स, जितना सारा लेवल्स दिखाया, इसका कोई भी लेवल्स मतलब काम नहीं किया है तो आप लोग मेरे को बोल सकता है कि हाँ, ये मेरे को फीडबैक दे सकता है, मैंने ज़रूर देखूँगा वो कैसे काम नहीं किया है। इधर भी गन स्क्वायर ऑफ 9-12 दिखाया, लेकिन ये है गन एंगल्स का, और उधर दिखाया गन डिग्रीज का। कोई भी लेवल्स काम नहीं किया। आप एक भी वन लेवल आप लोग मतलब वन लेवल को आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है और मेरे को फीडबैक भी दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी लेवल्स, किसी भी वाई लेवल या सेल लेवल आने के बाद वो लेवल्स का इस सबसे बिहेव नहीं किया है, मार्केट ऐसा बिहेव नहीं किया है तो मेरे को फीडबैक ज़रूर देना। तो ठीक है दोस्तों, बाद में मिलेंगे, फिर मैंने बाय सेल लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉक एंड फ्यूचर्स का। उस टाइम और भी कुछ बाय सेल लेवल 1-2-3 भी दिखाऊंगा और भी कुछ लेवल।